Now, a day after Prime Minister Modi announced a mega move to roll back the three farm laws, the Samyukta Kisan Morcha holds a core committee meeting. The committee is all set to take stock of situation, mulling over future course of action of the farmers' agitation and strategy on MSP. It will also prepare resolutions to be brought in tomorrow's SKM, Samyukta Kisan Morcha's larger body meeting, in which representatives from all 42 farmers' organizations will participate. Apart from this, 32 farmer unions of Punjab will also hold a meeting to decide on whether to end their 15-month-long agitation. Speaking to India Today, Rakesh Tikait has said he will take a final call on the year-long agitation after meeting today, adding that the government must hold talks with the farmers soon and decide on their demands. Samyukta Kisan Morcha, the main decision-making body, will be meeting on Sunday at Singhu border to decide on their plan of action. आज सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की, और इस वाली घोषणा पे क्या अब डिसीजन लेना है हमको, वो आज की मीटिंग के बाद में बताएंगे। अभी टीवी पे घोषणा हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, ये एक तरफा घोषणा है। किसान को भी सम्मान चाहिए कि बैठ के वो भी सरकारों से बात करे। एजेंडा आगामी रणनीति, एक ही एजेंडा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आगे क्या किस प्रकार की रणनीति हमको बनानी है, क्या कदम उठाने हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारा 29 को पार्लियामेंट मार्च है, 26 को बड़ी गैदरिंग्स है, 22 की लखनऊ रैली है, कल हमारी बड़ी बैठक है, आज नहीं है। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है, कल बड़ी बैठक में हम जो तमाम फैसले लेंगे जो आने वाले दिनों में हमारे आंदोलन के दिशा के लिए उसको पूरी रणनीति कल बन जाएगी। Let me get across to Milind Sharma joining us. More Milind, the farmers' unions all set to meet. Is the meeting happening today? What's supposed to be discussed? And none of them are moving from the spot, we believe. Even though the Prime Minister has promised that farm laws have been repealed, they want to ensure the formal process is out in the Parliament. Only then will they withdraw their agitation. Take us more. Definitely, Nabila. In fact, farmers and the unions have decided to hold meetings for this very reason, because they don't wish to move at this moment. There are a lot of issues that need to be discussed as well. I have a few union members with me who will also tell us. जो मुद्दे हैं अभी भी किसानों के इस मीटिंग में जो डिस्कस होंगे, आगे की क्या रणनीति रहेगी, जिसके लिए आज 11 बजे और फिर इसके बाद पूरा दिन 2 बजे भी एक मीटिंग रखी जाएगी। पहले तो गुरुपर्व की सभी को बधाई, और जो मोदी साहब ने कल अनाउंस किया उसके लिए भी हम सभी अपने मन से शुक्रिया था। जब कोई अच्छा काम करता है अच्छा कहना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, हाँ लेट भी किया चलो ठीक किया। अभी जो हमारी जथेबंदियां हैं जिनके कारण ये सारा आंदोलन एक साल तक यहाँ चला, उससे पहले पंजाब में चला, वो 32 पंजाब वालों की आज मीटिंग होगी, उसमें समीक्षा करेंगी। अच्छा। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल कोई रिटर्न इनको मिला नहीं है, तो उनसे रिटर्न में लेंगे कि क्या और कैसे ये सारा प्रोसीड होगा। अच्छा। उसके बाद कल संयुक्त की मीटिंग है, उसके बाद जो हमारी लीडरशिप करेगी, जैसे थोड़ा सा MSP पे पेंच फंसा है, वो कमेटी बोल रहे हैं, वो कमेटी कैसी होगी, कैसी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कैसे बनेगी, क्या रूलिंग होगी सारे इंडिया के लिए, ये थोड़े से मुद्दे अभी भविष्य के गर्भ में हैं, जिनका उम्मीद है, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें शुरू हो जाएं सभी कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है। तो अभी आप लोग सिंघू बॉर्डर हो चाहे टीकरी हो गाजीपुर हो, वहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं, अभी बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल नहीं जाएंगे। निस्बत हमारे और लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। एक तो वैसे ही टारगेट था कि 26 को यहाँ पे संख्या बढ़ाई जाएगी, कॉल पहले से ही दी गई थी। हाँ। और एक चलो अभी जो सरकार ने अनाउंस किया उससे उत्साह हो गया है। हाँ, अभी लोग खुश हैं आपके? हाँ, लोग खुश हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी केक काटे जा रहे हैं। हाँ। अच्छी खुशी भांगड़े डाले जा रहे हैं। हाँ। तो एक जो लोगों की भावना थी कि तीनों कानून रिपील हो, वो एक तरह से वो बात हो गई है। अब थोड़ा बहुत जो फंसा है, उम्मीद है वो भी अच्छी खबर आएगी, वो भी फिनिश होगा, लोग अच्छे से खुशी से घर को जाएंगे।
Just before I toss back to you, Nabila, I just want to show you the kind of celebrations that are happening in Singhu border today. Also, there's a cake cutting that has happened here, and it's being distributed to everybody who has been a part of the movement, whether it's children, whether it's farmers, whether it's the people who were helping out in the entire struggle. So yes, there's no plans of people moving out from here. At the same time, the Samyukt Kisan Morcha will also hold a meeting, core committee meetings also going on, but there is a sense of happiness, there's a sense of elation that yes, the three farm laws at least have been repealed, and the further course of action of what my sources have told me should also be a positive front also from the Samyukt Kisan Morcha, then Nabila. So well, cake cutting here and good what? Sense of happiness. Yeah, we in see the that cake border. Cutting ceremony that's currently underway at the Singhu border. Milin Sharma there reporting live, bringing us all the latest updates. Of course, the farmer is not in a mood to leave as yet. Couple of their demands that they want to be met and will only leave after the parliament repeals the laws formally. The opposition, especially the Congress, is of course claiming big victory now. In fact, the Congress is calling the revocation of the farm laws a Rahul Gandhi impact. Opposition is now demanding an apology from the BJP, saying that the decision was taken only because of upcoming Uttar Pradesh and Punjab polls. An auspicious gift on an auspicious occasion. आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णय The Prime Minister in his Friday morning address conceded that his government could not convince one section of farmers and that their welfare was the number one priority. जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी. आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा. The BJP has called it a statements approach to a crisis that didn't end even after 15 months. हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए. जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है. But the opposition is saying this is no gift. This is the government bowing down to pressure. I'm very, very proud of what the farmers are doing. And I fully support the farmers. And I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab. And we will continue to do it. Mark my words. Take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Aaj main आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णय लिया है. द कांग्रेस इज गोइंग टू टाउन विद दिस जनवरी डिक्लेरेशन फ्रॉम राहुल गांधी एंड कॉलिंग इट अ राहुल गांधी इंपैक्ट. टुडे इज अ डे ऑफ विक्ट्री. But it is also a day when Prime Minister must apologize to the nation as also to India's 62 crore Andatas. And the hostility being faced by BJP in UP, in Uttarakhand, in Punjab, in Goa, in the rest of the states made them to rethink. Rahul took to Twitter calling it a victory of the Kisan, but that was the only reaction from the Congress MP. He was conspicuous in his absence from the party stage. Is pure desh mein. His sister Priyanka Gandhi Vadra, however, sent across this tough message to the government. Uske hi netaon ne kisanon ko kya nahi bola. Pradhanmantri ji chup kyun the? Balki unhone andolan jeevi shabd bola. Mujhe khushi is baat ki hai ki ye sarkar samajh gayi hai ki is desh mein kisan se bada koi nahi hai. Prime Minister Modi's decision has quaked the poll-bound state of Uttar Pradesh as the opposition was hoping to use the farm laws showdown to its advantage in western UP.
उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। तीनों कृषि कानून को वापस लेने और MSP को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को मदद करनी चाहिए, जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है, सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि MSP लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। पंजाब पार्टीज हैव आल्सो लॉस्ट वन ऑफ देयर बिगेस्ट रैलिंग पॉइंट्स अगेंस्ट द BJP एंड द पॉलिटिकल डायलॉग ओवर फार्मर्स विल नाउ ड्रास्टिकली चेंज। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। जबरदस्ती उन्होंने ख्वाहिश खिलाफ, उन्होंने इंटरेस्ट के खिलाफ एक कानून बनाए गए और आखिर सरकार ने अपनी गलती का एहसास होया और एक कानून वापस लेने पे। सवेर का भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती का इस्तकबाल कर लवे ते फिर पंजाब माफ करे। ये जितना सारे का सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्यग्रह नूं। The opposition parties now face a conundrum. While their anti-farm law campaigns have yielded results so far, they have lost their biggest political tool, with just months to go for elections in Punjab and Uttar Pradesh. This is Aishwarya Paliwal reporting for India Today with camera person Shagun.